नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी लाइव क्लासेस की है जो कि रात को शायद 10 बजे लिए जा रही है। इतने सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मेरे साथ ज्वाइन है और हमें वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की टॉपिक को कंडक्ट करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं उन लोगों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिसने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट उनको मिलता रहे। ये क्लासेस लाइव होती है, इंटरेक्टिव होता है और देखिए गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। कैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन है और इसमें वो अपने अपने घर से बैठ के रात को 10:30 बजे मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप भी चाहो तो मेरे साथ इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हो। लाइव होता है, इंटरेक्टिव होता है और एक क्लासरूम से बेटर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकित सिंह जी, अतीत जी, आज का हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। देखिए आज एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल है उस फाइल को आप जो है लिस्ट बना के निकाल सको। कुछ ऐसा ही काम है। मैंने अभी भी टैबलो का कुछ वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है। टैबलो का वीडियो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है जो कि आपके सामने एक फोल्डर में है और मैं डिटेल के साथ दे देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सिक्वेंस बिगड़ा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे 30/50, 26/50, 30/50, 90/50 नहीं है। तो अगर मैं वीडियो का नाम जो है अगर पहले सीक्वेंस में पहले दे दूँ तो सिक्वेंसली हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 है तो मैं इसकी रिनेम कर दूँ, इसका नाम जो है स्टार्टिंग में रिनेम। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में आ गया। तो प्रॉब्लम यही है कि हर बार हम 1 ऐसे अगर एक एक करके 1 इस तरह से 1, 2, 3 सीक्वेंस देते रहे तो चलो 50 वीडियो है, हो सकता है कल के डेट में 500 वीडियो हो तो दिक्कत होगा। तो मुझे माइक्रो के जरिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए इस फोल्डर के हर एक फाइल का नाम के आगे इसका सीरियल नंबर जो यहाँ पे है 21, 30 ये उठा के डाल। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, करना है क्या? अतीश पांडे जी, प्रॉब्लम समझ में आया आपको? हाँ हाँ सुधांशु जी, फाइल का नेम जैसा होना सेम होना चाहिए था। हमें ये करना है जो 13 है, 32 है, 29 है ना, ये पहले आ जाए ताकि सिक्वेंसली हो जाए, ताकि किसी को देखने में आसानी हो। ठीक है, और किसी को डाउट? चलिए स्टार्ट करें। तो हम एक्सेल फाइल खोलते हैं इसके लिए। एक नई एक्सेल फाइल लिया तो सबसे पहले मुझे उस फाइल के पूरी लिस्ट को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वही मेथड जो लास्ट क्लास में बताया था डू व्हाइल वाला, उसी मेथड को आजमाना पड़ेगा।
तो यहाँ जाते हैं विजुअल बेसिक पे, इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, माइक्रोनेम कुछ भी दे सकते हैं आप। और मैं करता हूँ डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और करता हूँ एफ एन इक्वल टू डी आई आर, डी आई आर फंक्शंस, और इसके अंदर में हम उस फोल्डर का लोकेशन देंगे जो फोल्डर का लोकेशन है। अब इसमें मैंने देखा कि सिर्फ वीडियो फाइल ही है, तो MP4 देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टार्ट डॉट स्टार्ट कर देता हूँ, देखिए ऑल फाइल, वरना कोई पर्टिकुलर वीडियो फाइल करनी है तो फिर उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे डू While इसके बाद एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर एफ एन इक्वल टू डी आई आर, तो एफ एन के ऊपर लोड हो जाएगा हर फाइल। अब मुझे उस फाइल को यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे डिम एन एम न्यू नेम एज एन एज ए हमें स्ट्रिंग करते हैं। अब मुझे क्या है कि जो फाइल दिख रहा है आपको, जो फाइल का नेम है, एक नेम को ले आया था एक्सेल पे डालते हैं F2, F2 कॉपी करके एक्सेल पे डालते हैं। मुझे इसमें से कैसे निकलेगा नेम, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इसमें जो DYA डैश के बाद 36 आया हुआ है, DY के बाद जो आया हुआ है, तो DY के बाद जो है लेटर उठाना है आपको, DY के बाद का लेटर, लेकिन DY के बाद की जगह पे हैश भी है, देख रहे हैं आप, हैश भी है, तो कैसे करें इसको। उस तरीका लिखना पड़ेगा, हेलो हेलो, तो कैसे करें, कुछ तरीका सोचना होगा ना सर, क्योंकि इसमें डैश भी है और हैश भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई तरीके तो बहुत सारे हैं, तो एक तरीका अगर हम अपनाएं कि मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मा लगाऊं और इसमें बोलो कि डी आई वाई और कॉमा इसको सेलेक्ट कर एंड कॉमा इसको, या फिर एक काम और हो सकता है कि मैं यहां पे फाइंड के फॉर्मूले में लिखूं ऑफ, डैश ऑफ, और इसको सेलेक्ट कर एंड कॉमा 90, और फिर मैं फॉर्मूला लगाऊं मिड का, मिड इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला 90 -2 से 2 तक, सही है, ठीक है ना सर, तो नंबर आ जाएगा ना, और फिर इस नंबर को हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसके साथ कि एट द रेट डॉ, यहाँ पे पर ये नहीं होगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एट द रेट डॉट एंड एट द रेट, सही है सर, डाउट है सर,
हाँ नरेश जी सर, लिंक तो भेज चुका हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए आईडी, जिस आईडी में भेजता था उसी आईडी भेज रहा हूँ ना सर, naresh90sharma@gmail.com, बस भेज चुका हूँ इसमें, तो कई आईडी सबको मिला, आपको कैसे नहीं मिलेगा, स्पैम में चेक कीजिए, स्पैम मेरा आईडी, स्पैम फोल्डर में चेक किया आपने उसको? तो आप देखते ही नहीं है, मुझे ब्लेम करते हैं कि सर नहीं भेजा नहीं भेजा, तो स्पैम में क्यों डाल रखा मैंने उसको, कीजिए इनबॉक्स में कीजिए, फिर हमेशा इनबॉक्स में आएगा, सेटिंग चेंज कर दीजिए। हाँ अभी चल रहा है क्लास, समझ गए सर, ये समझ में आ गया मेथड, और कोई मेथड है आपके पास, हम लोगों को सजेस्ट करेंगे? नहीं राइट के फॉर्मूले क्यों लगाएंगे, हमें तो लास्ट नंबर थोड़ी लेना है, एक और तरीका है इसमें वीवीए के अंदर में, मैं ऊपर इसको लूप से बाहर लगाता हूँ, एक फॉर्मूला है कि एन इक्वल टू वैल, वैल इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ एफ, और मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ठीक है, एंड यहाँ पे एम एस जी जीरो, नहीं होगा, वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो कि हमने किया है। अब इस मेथड को कैसे अपनाएंगे चलिए, तो यहां पे होगा n, यहां पे जो हमने दिया हुआ है n, कि n इक्वल टू हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने यहां लगाया हुआ है फाइंड, और फिर फाइंड से मिड लगाया हुआ है, मिड के साथ किया हुआ है, तो मिड चलेगा इस पे, मिड मिड, और हमने मिड में डाला हुआ है एफ एन, की एफ एन के अंदर से निकालना है, स्टार्ट नंबर नहीं पता है तो इसके अंदर होगा इन एस टी आर, इन एस टी आर फाइन फॉर्मूला को इन एस टी आर फॉर्मूला कहते हैं, तो पहले से स्टार्ट करना है किसके अंदर, एफ एन के अंदर, और क्या ढूंढना है तो डैश ऑफ राइट, और ये हो गया डैश ऑफ माइनस टू, यहां पे कॉमन टू मिड आ गया, तो मिड क्या है नंबर निकाल दिया, और उस नंबर को हम कॉनकेटेनेट कर देते हैं किसके साथ, एफ एन के साथ, लेकिन डॉट के साथ, इसमें डॉट भी लगाना जरूरी है, तो जो मेथड हमने यहां बनाया हुआ है ये लग गया यहाँ पे, कि यहाँ पे फाइन इन एस टी आर हो गया, फाइन जो है इन एस टी आर हो गया, और आपका एफ क्या बोलते हैं अमीर तो ही है, और कन्वर्ट हो गया ठीक है। अब मुझे रिनेम करना है कि किसी फाइल को रिनेम कैसे किया जाए, समझे कि कोई भी पर्टिकुलर फाइल जो आपका है उसको किसी और फाइल से रिनेम कैसे किया जाए उसके बारे में जानते हैं, किसी को पता है कैसे होगा, आई थिंक वो होता है नेम, नेम
और नेम में हम यहाँ डालेंगे कॉपी, कॉनकैटेनेट एफ एन एज ए कॉनकैटेनेट, ठीक है, रिनेम करने का ये मतलब है। अब एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसमें इनवैलिड प्रोसीजर सेट आर्गुमेंट, किसी एक को भी नहीं किया, पहला 26 और 30 को किया। ओ ओ ओ देखिए यहाँ दिक्कत आ गया ना, हर किसी में ऑफ नहीं लगा हुआ है, ऑफ डैश नहीं लगा हुआ है, हर किसी में ऑफ के साथ डैश नहीं लगा हुआ है, दिख रहा है ना सर? हर किसी में ऑफ के साथ डैश, हर किसी में तो नहीं, एक दो फाइल में नहीं लगा हुआ, हाँ तो आप ये तो ठीक है, लेकिन वही है कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि ऑफ है ना, सिर्फ ऑफ को फाइंड करना पड़ेगा, इसमें हम जो ढूंढ रहे हैं ना, इसमें हम यहाँ पे कर देते हैं कि ऑफ डैश हटा देते हैं, सिर्फ ऑफ को करते हैं, ऑफ को कर दिया तो दिक्कत हो गई यहाँ पे, इसमें 37 ही ले लिया सर। तो उस केस में मुझे यहां करना होगा -2 नहीं -3, अब यहां पे गड़बड़ हो गया जहां पे ए लगा हुआ है, हाँ वही दिक्कत है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो फिर भी हमने 80% को तो कर दिया ना, 80% के बाद कहीं दिक्कत आई है उसमें रुक गया क्या? तो बेसिकली क्या है कि कहीं पे स्पेस है और कहीं पे डैश है, कहीं पे स्पेस है और कहीं पे हमारा डैश है, इस कारण से ऐसी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा मैक्रो वर्क तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसमें कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका, किसी के बैकग्राउंड शोर आ रहा है काफी, ये समझ में आया सर? तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हमने कॉपी फाइल को रिनेम कैसे करेंगे, तो रिनेम करने का ऑप्शन है कि नेम, पहला जो नाम था वो और जो नई नाम है
ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत हो गई कि कहीं पे फाइल प्रॉपर नहीं है, इस कारण से नहीं हो पाया। तो इसमें इसलिए क्योंकि हमने वीवीए फंक्शन हमने पूरी तरह सिखा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वीवीए फंक्शन नहीं सिखा हमने। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो इवेंट के बाद वीवीए टॉपिक, वीवीए इसका ही है। तो ये माइक्रो काम तो कर रहा है, लेकिन वही है कि एक सिक्वेंसली फाइल पे कर रहा है, मतलब कि जो नाम का सिक्वेंस अगर ऊपर नीचे होगा तो उसमें दिक्कत हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती बताया था कि ऑटोमेशन 100% नहीं होती, पहले हम उसको 50-60% करते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि अगर आप 500 फाइलों में, अगर मान लीजिए कि 50 फाइलों को उसने कर दिया, 50 वाला कर दिया, 50 तो नहीं किया, तो मुझे मैनुअली 50 को ही करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं सर? तो इस मेथड से हमने चीज को सीखा। तो एक कोड मैं आप लोग भेज दे रहा हूं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इवेंट माइक्रो को प्रोसीड करते हैं। तो कल की क्लास हमारी होगी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग से, जहां आप सीखेंगे कि इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो लूपिंग वगैरह आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप लोग? ओ, मेल आईडी वाली? ठीक है, देख लेता हूँ। बाद में वो भी देख लेंगे वो भी क्या हम प्रॉब्लम। अब इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये मेल, एक मेल भेज रहे हैं, तो उनको अटैचमेंट जो है हमेशा, मतलब कि डबल अटैचमेंट हो रहा है, ये प्रॉब्लम थी ना आपकी सर? दो अटैचमेंट जा रही है। चलिए एक बार देख, चलिए देख लेते हैं। फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। अच्छा ये बताइए कि आप क्या, ये सबको भेजना है ना आपको? बीवी क्या है? ये तो गलती की आपने, ये आपका एक्टिव सीट पे जाता है, गलत तरीके से आपने किया है। एक मिनट आपको बता दो, ये तो सही है, एक और करना पड़ेगा यहाँ पे, डिम एम एज ए रेंज, और फिर यहाँ करना पड़ेगा एम इक्वल टू जो भी आपका ए है, जैसे कि A2 से A4, Sheet 1, Sheet 1 डॉट रेंज। अब इसको डायनेमिक कर लीजिएगा, A2 से A4। सिलेक्शन की जगह पर फिर यहाँ हो जाएगा M, एक्टिवेट, और पक्षी डॉट लेबल विजुअल इक्वल टू ट्रू, आर डॉट पेरेंट मेनू आइटम, आर डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, आर डॉट पेरेंट कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे?
भेजना तो आपको यहाँ है, नहीं बीबी को भेजना है, एसएस को भेजना है ना, यहाँ एसएस होगा ना, एसएस डॉट पेरेंट डॉट मेनर आइटम आर, यहाँ आर डॉट वैल्यू सही किया आपने, सब्जेक्ट इज आइटम। अब जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन जेपीजी है तो हम ले लेते हैं जेपीजी अपना भी, हाँ ऑटोमेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्लैश ये जाएगा बीजी, बीजी डॉट जेपीजी, अटैचमेंट्स डॉट ऐड जेपीजी डॉट जाएगा नेक्स्ट। इस कोड को रन कीजिए, इस कोड को सही से वर्क करेगा, ये कोड सही से वर्क करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जो सीट आप भेज रहे हैं वही सीट आपका एक्टिवेट होगी। और मैं यहाँ नहीं भेज सकता क्योंकि मेरे पास आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है, सीट्स वाला आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है मेरे पास फिलहाल, इस नेविगेशन पीसी इंस्टॉल किया है। सेट एन इक्वल टू ए टू से शीट वन से फोर से क्या है, और यहाँ पे जब भी आप रेंज देते हैं ना ए वाली सही है, कोई दिक्कत नहीं। शीट्स वेरिएबल नॉट सेट, नॉट सेट क्यों नहीं हो रहा, सेट वन ही तो नेम है इसका। ये बंद करेगा, आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है हमारे पास इसलिए। ठीक है और कोई डाउट है किसी को, हाँ ऐड डॉट 10 बार लिखना पड़ेगा या लूप लगा दीजिए। हाँ क्या चेक करना, क्या चेक करना आप लोग, ठीक
मुझे दोबारा भेज दीजिए, मैं मेल आपका लॉन्च कर दिया। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। तो देखा दोस्तों किस तरीके से रात को 10 बजे और बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे साथ क्लासेस लिया। ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ना लाइव होता है। आप देखिए रात को 10 बजे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर आपको ट्रेनिंग तो नहीं देगा, और आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, रात को 9 बजे के आसपास घर ही आते हैं आप, तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में नौकरी छोड़ के तो आप सीख नहीं पाओगे। और सैटरडे संडे हमेशा आपके पास छुट्टी हो इसकी गारंटी ना, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस परफेक्ट है आप लोगों की लर्निंग के लिए। तो आप लोगों को मैं डेमो क्लासेस के लिए बोलता हूँ कि आप लोग दो चार डेमो क्लास लेके देखें। अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए, दो चार क्लास डेमो लीजिए, फिर आगे अगर आपको ठीक लगा तो हम ज्वाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और ज्यादा लोगों को पॉपुलर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।